आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास की गिरफ्तारी के विरोध में आज ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया। ब्राह्मण समाज के लोग दोपहर में रैली के रूप में जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर पहुंचे। यहां लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रास्ता जाम कर दिया। जालोरी गेट चौराहे पर रास्ता जाम से करीब 3 घंटे तक मार्ग पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग रखी। बताएं, पुलिस द्वारा बहुत ही ज़्यादा निंदनीय कार्य किया गया है। सुभाष जी कहें, सुभाष जी, परिवार के अंदर सभी लेडीज़ मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, उन बच्चों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है, जैसे कोई वो हार्डकोर अपराधी हो। वो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने समाज को दिया है, लिया कुछ नहीं है, और उसी के लिए ऐसे पुलिस वालों ने ऐसे किया जैसे वो कोई आतंकवादी हो, उन्होंने बहुत जनों को मार दिया हो और वहाँ के बच्चों को पीटा है, लेडीज़ को पीटा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। उसके बाद भी जानबूझ के सुबह ले जाके भी शाम तक अरेस्ट नहीं किया ताकि 2 दिन निकाले जाए, सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता को परेशान करने का कृत्य था, उसमें उन्हें कामयाबी मिली है और इसी के लिए आज सभी समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इकट्ठे हुए और उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा काम करने की कोशिश की है। हम सभी आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक नेक दिल इंसान जिसने हमेशा लोगों का भला किया है, कोई भी परेशान होता है तो सबसे पहले जाता है कि मुझे आरटीआई का करना है, सूचना का काम करता है तो नंदलाल जी के पास जाता है। उसने सभी लोगों ने मिलकर उनको बहुत ही ज़बरदस्त फंसाया है और उनके लिए बहुत कड़ा कर दिया है ये संकट। आप सभी को अपील है कि इसमें सहयोग करें, शांति बनाए रखें और सभी नंदलाल जी का सहयोग करें ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आए और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको इसका पाप भोगना पड़े। आपका परिचय? मैं रवि सिंघानी, उनका जवाई हूँ, बड़ी पुत्री का